हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैफ क्रिएशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं अर्बन सिनेमैटिक टोन प्रीसेट, जिसका यूज करके आप जस्ट वन क्लिक के अंदर अपने किसी भी फोटो में सेम कुछ इस टाइप का कलर टोन ऐड कर पाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्रीसेट की लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन लिंक के ऊपर पासवर्ड है एंड पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं भी आगे देखने को मिल सकता है, यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आप प्रीसेट को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। एंड वीडियो में आगे मैं आपको उसकी मैनुअल सेटिंग के बारे में बताऊंगा एंड सैंपल फोटोज के ऊपर प्रीसेट को अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रीसेट वर्क करता है। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं आ चुका अपने लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड फोटो के बटन पर क्लिक करके जो हमारा प्रीसेट है उसको एंड कुछ सैंपल फोटोज को ऐड कर लेना। तो मैंने पहले से ऐड कर रखा है, तो मैं यहाँ से ऑल फोटोज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ एंड क्लिक करने के बाद जो हमारा प्रीसेट है उसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्बन सिनेमैटिक टोन लाइटरूम प्रीसेट, तो कुछ स्टेप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको इसकी सेटिंग्स को कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए यहाँ से राइट साइड में कॉर्नर में थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल करके कॉपी सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ से राइट पर क्लिक कर लेना है। तो हमारी सेटिंग्स यहाँ पर कॉपी हो चुकी है एंड अब मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ एंड एक फोटो को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, जिसको मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा, प्रीसेट को अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रीसेट वर्क करता है। तो मैं एक सिंपल सी फोटो को ले लेता हूँ, देख सकते हैं नॉर्मल सी हमारी फोटो है विदाउट एडिट। तो फिर से मैं यहाँ पर थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से पेज सेटिंग्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं जस्ट वन क्लिक के अंदर बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर डार्क सा अर्बन सिनेमैटिक टोन यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो अब मैं एक और फोटो के ऊपर इसको अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एक ये वाली फ़ोटो को ले लेता हूँ एंड ये भी हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल सी फोटो है, गोल्डन आवर में क्लिक की गई है एंड इसको भी यहाँ पर मैं थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल करके पेज सेटिंग्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पर भी प्रीसेट ने काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क किया है, बहुत ही अच्छा कलर टोन यहाँ पर डार्क सा ऐड हो गया है। तो अब मैं एक और फोटो के ऊपर इसको अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एक ये वाली फ़ोटो को ले लेता हूँ एंड ये भी हमारी बिल्कुल नॉर्मल सी फोटो है। यहाँ से मैं फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करता हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जस्ट वन क्लिक के अंदर बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर भी प्रीसेट ने वर्क किया है। एंड हो सकता है आपकी कुछ फोटोज़ के ऊपर प्रीसेट इतनी अच्छे तरीके से वर्क ना करे, तो आपको अपने फोटो के हिसाब से थोड़े बहुत कलर्स एंड लाइटिंग में एडजस्टमेंट्स कर लेने हैं। तो यही था आज का इस प्रीसेट में एंड अब मैं आपको इस प्रीसेट की मैनुअल सेटिंग के बारे में भी बता देता हूं, ताकि आप मैनुअली भी इस टोन को एडिट कर पाए। तो यहां से मैं फिर से प्रीसेट को ओपन कर लेता हूं एंड ओपन करने के बाद एक एक करके आपको सेटिंग दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर मैं लाइट्स में चले जाता हूं एंड आप देख सकते हैं एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज, वाइट्स एंड ब्लैक्स, एंड आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड इसके बाद यहां पर मैं कर्व की भी सेटिंग दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं वाइट, रेड, ग्रीन एंड ये मिक्स। तो अब मैं यहाँ से कलर्स में चले जाता हूँ एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, सेचुरेशंस एंड उसके बाद यहाँ पे मैं मिक्स में चले जाता हूँ। मिक्स में जाने के बाद आप रेड कलर देख सकते हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लू, पर्पल एंड ये लास्ट वाला पर्पल। तो यहाँ से डन कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर मैं ग्रेडिएंट वाला भी आपको सेटिंग दिखा देता हूँ एक एक करके, तो आप ये भी देख लीजिए। एंड आप चाहे तो इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको हेल्प हो। एंड उसके बाद यहाँ से मैं कलर्स के ऑप्शन पे बैक कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से मैं इफेक्ट्स में आ जाता हूँ एंड इफेक्ट्स में आने के बाद आप देख सकते हैं टेक्सचर, क्लियरिटी, डिहेज, विकनेट, मिड पॉइंट, फेदर, राउंडनेस, हाइलाइट्स, ग्रेन, साइज, राउंडनेस। तो अब मैं यहाँ से डिटेल्स में चले जाता हूँ। डिटेल्स में आने के बाद आप देख सकते हैं शार्पनिंग, रेडियस, डिटेल, मास्किंग, नॉइस रिडक्शन, डिटेल्स, कॉन्ट्रास्ट, कलर नॉइस रिडक्शन, डिटेल्स, स्मूथनेस, इन सभी चीज़ों का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रीसेट एंड ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना इसी वीडियो को आगे देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।